आज हम उन इंडियन सीरीज की बात करेंगे जिनको आप जरूर से कंसीडर कर सकते हो। इस लिस्ट में कई सारे जॉनर्स इंक्लूडेड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो शुरू करने से पहले, हेलो एवरीवन, और आप देख रहे हैं क्रैपर बोर्ड। मैंने अपनी पूरी जिंदगी रानी कॉर्पोरेटिव को खड़ा करने में लगा दी, पर मैं कभी एक लेनी थी। तो फिर और कौन कौन है आपके साथ? बेटी और बहू भी धंधा संभाल सके। पहली सीरीज है कोटा फैक्ट्री। और इस कच्ची उम्र में जब किसी चीज को इतने दिल से चाहते हो ना, फिर दो ही चीजें होती हैं। अगर मिल गई तो सुकून है, चिल है, और नहीं मिला ना तो फिर मिलती है जेलेसी, चुभन, सेल्फ डाउट। भाई साहब, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। फिर जितना दुनिया नहीं समझती ना, उतना आदमी खुद को लूजर समझने लगता है। इस शो में कोटा की कोचिंग लाइफ को एक्सप्लोर किया गया है कि वहाँ के स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं, पढ़ते हैं, क्या इश्यूज आते हैं, क्योंकि वहाँ पेरेंट्स तो है नहीं ख्याल रखने के लिए। अब पढ़ाई तो है ही, पर उसके अलावा भी बाकी की चीजें जब एड ऑन होती हैं, तब मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अब तक इसके दो सीजन आ चुके हैं और तीसरा सीजन भी जल्दी देखने को मिलेगा हमें। ये शो TVF ने बनाया है, और अगर आपने TVF के बाकी और कोई शोज देखे हैं, जैसे बैचलर सीरीज या और कोई, देन यू नो दैट कि TVF के शोज काफी बढ़िया होते हैं और थोड़े हटके भी। इसका सीजन 1 आपको YouTube पे देखने को मिलेगा और सीजन 2 Netflix पर। इस शो में देखने को मिलते हैं मयूर मोर, रंजन राज, आलम खान, एहसास चन्ना, रेवती पिल्लई, पूर्वी सिंह और जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार का एक और शो है जिसका नाम है पंचायत। एग्जैक्ट डेट कमिट कर पाना तो अभी थोड़ा मुश्किल है, पर है सब अंडर प्रोसेस ही है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है मैं सबसे पहले देख रहा है। बिनो हाय, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। एक लड़का जिसकी पोस्टिंग हो जाती है एक गांव फुलेरा में, इस गांव में रहकर क्या क्या अच्छा बुरा जीतू भैया को फेस करना पड़ता है, वो देखने में तुम्हें काफी मजा आएगा। और ये शो देखने को मिलेगा तुम्हें Amazon Prime पर, और इसके भी 2 सीजन आ चुके हैं, और इसे भी TVF ने बनाया है। TVF की स्पेशलिटी ये है कि वो इमोशंस बहुत अच्छे से दिखाते हैं, चाहे वो खुशी हो या गम। शो की कॉमेडी बहुत जबरदस्त है, और कास्ट ने जिस तरह से रोल निभाए हैं, वो तो पूरी तरह से फील करा देते हैं कि हम गांव में ही हैं। उनकी बातें, उनके इश्यूज, लैंग्वेज को लेके थोड़ा दिक्कत और कई चीजें। आप ना अभिषेक सर, आप टेंशन मत लीजिए, हम कुछ करते हैं। एक तो मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक नहीं, बस अभिषेक अभिषेक। जितेंद्र कुमार के साथ साथ कास्ट में देखने को मिलते हैं रघुवीर यादव, फैजल मलिक, चंदन रॉय, शन्विका और नीना गुप्ता जी। अगली सीरीज है टूथ परी। बहुत सिंपल हो डॉक्टर, तुम नहीं प्रिटेंड करते कि तुम कूल हो। सो मच ट्रूथ इन यू। जिसमें देखने को मिलते हैं हमें शांतनु और तान्या, और उनके साथ तिलोत्मा सोम, सिकंदर खेर, सस्वता चटर्जी, रेवाठी और आदिल हुसैन, जिनको हमने कबीर सिंह में देखा था एज कॉलेज डीन। अब कहानी वैम्पायर्स की है कि इनका ग्रुप एक गुफा सी जगह में रहता है, और ट्विस्ट तब आता है जब एक वैम्पायर किसी को काटने की वजह से उसका दांत टूट जाता है। अब वो जाती है एक डेंटिस्ट के पास, अब वहीं से इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। और यहाँ भी वही होता है कि इंसान को वैम्पायर से प्यार हो जाता है और फिर कलेश शुरू। ये शो बाकी इंडियन शोज के अकॉर्डिंग काफी हटके और क्रिएटिव था, इसका VFX अच्छा था, काफी अच्छा ट्राई मेकर्स ने किया है, और विजुअली वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं। परफॉर्मेंस सबकी बढ़िया थी, जो शो एक फ्लो में लेके चलती है, और इसका स्क्रीन प्ले काफी अच्छे से लिखा गया है कि शो अपनी ग्रिप तो होल्ड करता ही है और पेस भी मेंटेन करके चलता है। और इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया है, जो की है शुभांकर भर ने। इसकी डायरेक्शन थ्रू आउट द शो मजेदार थी, स्पेशली इसका एंड, द लास्ट एपिसोड ऑफ सीजन 1, वो तो अलग ही पीक पे चला जाता है। अब ये शो तुम्हें कहां देखने को मिलेगा? नेटफ्लिक्स पर। आपको ना आदत है वो बादल के साए में रहने की, अब रोशनी चाहिए तो थोड़ा सूरज की गर्मी झेलनी पड़ेगी। एक शो जो दिल दहलाकर रख देगा, सहमा कर रख दे, देखना चाहोगे? अगर हाँ तो इसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस। इसी कहानी में एक लड़का है जो कि एक मर्डर केस में फंस जाता है, और उसे हो जाती है जेल। दिक्कत ये है कि उसने मर्डर नहीं किया, पर सबूत उसके खिलाफ ही है। कहानी जेल की लाइफ को एक्सप्लोर करती है, वहाँ का रहन सहन, खाना पीना और दिक्कत परेशानियाँ। सीरीज डार्क और इंटेंस है, और इंटेंसिटी इसकी मेकर्स ने काफी अच्छे से बनाए रखी है। और अगर एक्टिंग की बात करें तो हमें देखने को मिलते हैं विक्रांत मैसी, पंकज त्रिपाठी और अनुप्रिया गोयनका लीड रोल्स में। सबने काम बढ़िया किया है, और विक्रांत की परफॉर्मेंस स्टैंड आउट करती है पूरे सीरीज में, क्योंकि उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है वो उन्होंने बखूबी निभाया है। और ये सीरीज बनाई है तिग्मांशु धूलिया ने, जिन्होंने साय बीवी और गैंगस्टर बनाई है, और जिनको आपने फिल्मों में भी देखा होगा। और ये सीरीज देखने को मिलेगी Disney+ Hotstar पर। अगला शो एक ऐसा शो है जो कहानी बताता है दो साइंटिस्ट की,
जिन्होंने इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस रिसर्च जैसी चीजों की शुरुआत की। मैं बात कर रहा हूँ होमी बाबा और विक्रम साराभाई की। इस सीरीज का नाम है रॉकेट बॉयज। ये शो दोनों की लगन और मेहनत को दिखाता है, उनके काम के लिए उनकी भूख दिखाता है। सीरीज की कहानी उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इश्यूज, इम्पैक्ट्स पर है, जिसमें हमें नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, रॉबर्ट रॉली और एपीजे अब्दुल कलाम और सीवी रमन के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। और मेन लीड में है जिम सार्व एज होमी बाबा, ईश्वक सिंह एज विक्रम साराभाई और रिजीना कैसेंड्रा एज मृणालिनी साराभाई और सबा आजाद एज परवाना जानी। इस शो को डायरेक्ट किया है निखिल अडवाणी ने। इसकी सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो है इतनी अच्छी, जो की है हर्षवीर ओबेरॉय ने। कलर ग्रेड जिस तरह से उसे यूज किया गया है वो बहुत बढ़िया था। कैमरा एंगल्स, कैमरा मूवमेंट शॉट्स को और इंगेजिंग बना देते हैं और ये सब कुछ मिलकर एक बढ़िया सिनेमैटिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं। इसके दो सीजन हैं और जब सीजन एंड होंगे यू विल फील ब्लेस्ड कि उन्होंने जो शुरू किया उसी की वजह से हम आज इतना आगे पहुँच पाए हैं। ये सीरीज अवेलेबल है सोनी लिव पर। We can end this war and we can stop any other country from ever even thinking of attacking us again. स्कूप ये एक नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट सीरीज है, जिसमें देखने को मिलते हैं हमें जीशान अयूब, देवेन भुजानी, तनिष्ठा चटर्जी और करिश्मा तन्ना। इसकी कहानी एक जर्नलिस्ट की है जिसका नाम है जागृति पाठक और इसका रोल किया है करिश्मा तन्ना ने, जो अपनी कोशिश करती है जल्द से जल्द और सही खबर लाने की। अब आगे एक सिनेरियो क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से उन्हें जेल हो जाती है बिना किसी प्रूफ और एविडेंस के। उनका जेल में सर्वाइवल, उनकी फैमिली का समाज में सर्वाइवल, ये सब कुछ डिटेल में दिखाया गया है। और जो लोग जागृति को फ्रेम करना चाह रहे थे उनकी अटूट कोशिश को भी दिखाया है कि लोग कितनी मेहनत करते हैं किसी को फंसाने और गिराने के लिए। इस शो को डायरेक्ट किया है हंसल मेहता ने, जिन्होंने सिटी लाइट्स, छलांग, शाहिद बनाई है। ये सीरीज उनकी पिछली सीरीज स्कैम 1992 से काफी सिमिलर है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसका म्यूजिक बहुत बढ़िया था जो कि दिया है अचिंत ठक्कर ने, जिन्होंने स्कैम 1992 और रॉकेट बॉयज में भी अपना म्यूजिक दिया है। चार्जशीट कहाँ है? वो अभी गुनाहगार साबित नहीं हुई है, सबने उसे गुनाहगार मान लिया है। कहानी है इंदौर के एक लड़के की जो स्कूल में रहते हुए प्यार में पड़ जाता है और प्यार उसके लिए जन्नत तो नहीं ला पाता पर बर्बादी लेकर आ जाता है। इस सीरीज के कई सिनेरियो से कई लोग रिलेट कर पाएंगे। इसका स्क्रीन प्ले काफी अच्छा था और इसमें देखने को मिलते हैं हमें ऋत्विक सहोर, वेदिका भंडारी, अक्षय कुलकर्णी और तिथि राज। ये सब कैरेक्टर जैसे जैसे दिखाए गए हैं, इनका इंट्रो, इनके डायलॉग्स, इनके इमोशंस वो बहुत सही थे। कहानी लीड कैरेक्टर्स को अच्छा खासा टाइम देती है उनको समझने के लिए और जानने के लिए, जिससे कोई भी कैरेक्टर लेफ्ट आउट फील नहीं होता। शो बहुत बढ़िया है और जो इसकी हाईलाइट है वो है इसकी स्टोरी और इसकी एक्टिंग। ये हंसाएगी, मजे भी कराएगी पर आगे कलेश की हदें भी पार करेगी। इसका नाम है इंदौरी इश्क, जो देखने को मिलेगी MX प्लेयर पर। तुम्हारा प्यार डिजर्व नहीं करती थी, भूल जाओ उसे। साली प्रॉब्लम ही है कि मैं कुछ नहीं बोलता, यकीन ही नहीं हो रहा हम साथ हैं, ऐसा लग रहा है सपना देखा। अगली सीरीज है फर्जी। ये सीरीज बहुत लोगों ने देख ही ली होगी, बट जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए बता देता हूँ, ये सीरीज बनाई है राज एंड डीके ने, जिन्होंने फैमिली मैन बनाई थी। इसमें हमें दो लड़कों की कहानी दिखाई जाती है जिनका नाम है सनी और फिरोज, जिनका रोल किया है शाहिद कपूर और भुवन अरोड़ा ने। अब सनी को भूख होती है पैसे की, वो एक पेंटर है जो फेमस आर्टिस्ट की पेंटिंग्स को रिक्रिएट करके सेल आउट करता है। अब एक दिन कॉपी करते करते उसे आइडिया आता है पैसे कॉपी करने का और फिर क्या, कहानी शुरू। वो पैसे छापता है फिरोज की मदद से, क्योंकि फिरोज प्रिंटिंग का काम जानता है, मार्केट में लॉन्च करता है और वो नोट चल भी जाते हैं। अब पुलिस भी नकली नोट छापने वालों को ढूंढ रही है, जिसमें है विजय सेतुपति एज माइकल और राशि खन्ना एज मेगा, पर पुलिस को तलाश है मंसूर की, जिनका रोल किया है के मेनन ने। अब कहानी कैसे कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होती है वो बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग वे में दिखाया है और शो के बाकी एस्पेक्ट्स लाइक सिनेमेटोग्राफी, स्क्रीन प्ले बहुत सही थे। और इसमें हमें अमोल पालेकर भी देखने को मिलते हैं, जिनकी आपने गोलमाल फिल्म देखी होगी। ये सीरीज देखने को मिलेगी तुम्हें अमेजोन प्राइम पर। अब की गलती हुई तो यूनिट बंद कर दूंगा और तुझे निष्कासित। सर व्हाट इज निष्कासित सर? टर्मिनेशन। मिनिस्टर को ट्रांसलेटर बना के रखा है। मैडॉक फिल्म्स की तरफ से हमें एक शो देखने को मिलता है जिसे डायरेक्ट किया है होमी अदाजानिया ने, जिन्होंने कॉकटेल अंग्रेजी मीडियम बनाई है। इसकी कहानी ये है कि जो सास है जिनका रोल किया है डिंपल कपाड़िया जी ने, उनका धंधा है रानी कॉर्पोरेट के नाम से गुड़ियों का, पर उन गुड़ियों में जाता है फ्लेमिंगो, एक ट्रक, वो भी सारी दुनिया में। और जो बहुएं हैं जिनका रोल किया है ईशा तलवार ने एज बिजली और अंगीरा धार एज काजल,
और इनके साथ हैं राधिका मदान एज शांता, जो सावित्री यानी डिंपल जी की बेटी के रोल में है, और इनके दो बेटे भी हैं हरीश और कपिल, जिनका रोल किया है वरुण मित्रा और आशीष वर्मा ने। आशीष वर्मा को हमने देखा था हसीन दिलरुबा में, जहां उन्होंने काफी बढ़िया काम किया था। अब जब ऐसा कोई धंधा चल रहा होता है तो पुलिस को तो भनक लगेगी, पर सब कुछ इतना शांति से होता है कि सीधे हाथ से लेन देन हो तो भी अगले हाथ को पता चलना चाहिए। जब तुम ये शो देखोगे तो जानोगे कि शो एक हटके कहानी लेके आता है, पर यह सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन के साथ, पर इसका म्यूजिक वो तो अलग ही अजब गजब है। इंटेंसिटी और इंटीमेसी में ऐसे ब्लेंड होता है इसका म्यूजिक जैसे चाय में चीनी। ये सीरीज अवेलेबल है डिज़्नी प्लस हॉटस्टार पर। विक्टर हंसल मेहता की तरफ से हमें एक और सीरीज देखने को मिली थी, उसका नाम है स्कैम 1992, जो कि हर्षद मेहता के बारे में बताती है कि उन्होंने क्या किया, कैसे कैसे किया। कुछ लोग उन्हें फ्रॉड बुलाते थे, कुछ तारीफ भी करते थे, और कोई कुछ कहता था और कोई कुछ। हर्षद मेहता का रोल किया है प्रतीक गांधी ने, और देखने को मिलती है श्रेया धन्वंतरी एज सुचिता दलाल, इन्होंने एक जर्नलिस्ट का रोल किया है। कहानी बहुत मजेदार तरीके से आगे बढ़ती है कि हर्षद मेहता कैसे कैसे सीढ़ियां चढ़ता है और गिर कर भी कैसे उठता है, और साथ ही आर के लक्ष्मण का भी इंट्रो दिया गया है इसमें। ये शो स्टॉक मार्केट को एक्सप्लोर करता है, उसके प्लस और माइनस बताता है, और भी कई सारे पॉइंट्स और टॉपिक्स को कवर करता है। लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, इसे गुजराती की लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता। भाई डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इसके स्कैम 1992 और स्कूप दोनों में काफी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। इनका म्यूजिक सेम शख्स ने दिया है, और कहानी का जो पर्सपेक्टिव दिखाने का तरीका है वो भी सिमिलर है, कि उसमें और इसमें जर्नलिस्ट के नजरिए से ही कहानी बताई गई है विद सम चेंजेस। स्कूप में कहानी जागृति पाठक पे ही फोकस रखती है, और इसमें हर्षद मेहता पर। तुम्हें कौन सी इंडियन सीरीज पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। पहले मेरे को लगता था कि मेरे दोस्त बहुत कम हैं, पर अब रियलाइज हुआ कि जितने हैं ना सबसे दोस्ती बहुत ज्यादा है।